Current affairs lab. So in today's class, I will discuss current affairs which are most important from the 1st June to till now. But after all, what you will get if you attend all these current affairs classes? See, the source of information for pre as well as mains will be, one is the Hindu. You can read any one newspaper, whether it's Indian Express or the Hindu. Then the bias is there, because this time UPSC asked a question approximately one or two from the Guardian newspaper. The topics were more prominent in those newspapers as compared to our local newspaper. So we have to focus on those newspapers also, right? Then down to earth. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेट दिस देन द गार्डियन न्यूज़पेपर इज देयर. ठीक है, सो दिस विल बी अ सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट सॉरी करंट अफेयर क्लास. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फोकस ऑन वन न्यूज़पेपर विच यू रीड. ठीक है, आपने पूरा वीक उसको पढ़ा अच्छे से, देन वी विल डिस्कस 5 to 6 important means perspective question in this current affairs class. After that, if there is any, we can say, article which is more important, I will put that in a file, and that file will be on your abhi PDF. ठीक है, you can get access from there. Clear? So approximately till next prelim approximately 45 classes होंगी. And in every class you will get a 20 question on prelim. तो उसके हिसाब से कितने हो गए? 900. तो 900 question on current affairs are more than enough. ठीक है? Similarly for mains, I will discuss 5 question in each class. तो ये कितने हो गए? लगाओ यार, CZ वाले. 225. So 225. If we discuss the strategy of the top 10 candidate, universal top 10 में रहते हैं, they generally prepare 150 issue. ठीक है, from current affair perspective for mains. So we have a larger scope of 225. It means that we can also deal with other topics that in sometime UPSC. Now these days UPSC in mains ask either a simple question which everybody knows, or a very difficult question which nobody knows. So in both ways, see, this is a prelim strategy, right? For the mains, there are, is it visible? Paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4. GS kaise hai na? At the same time, there is an optional subject is there. और कौन सा है एसे. नो, इनमें से कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं? वन इज ऑप्शनल. ठीक है, देन इज एसे एंड पेपर 4. नो, देयर इज अ वन थिंग व्हिच इज कॉमन इन 3 इज यूनिकनेस. यू नो, इफ यू कंपेयर एसे, अगर एसे आ गया, हर एक लिखेगा सेम टॉपिक पर, बट दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ना, तो उसका मतलब क्या है? यूनिकनेस, स्कोप ऑफ यूनिकनेस इज देयर इन एसे. सिमिलरली ऑप्शनल तो हर एक का अलग अलग है. सिमिलरली पेपर फोर इज अगेन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एथिक्स की एप्लीकेशन क्या, दैट विल बी अगेन डिफरेंट, राइट? सो इफ एनीवन राइट द आंसर, फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट आर राइटिंग आंसर ऑन द पेपर 4, देयर आंसर विल बी डिफरेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर. So it means that uniqueness will get a marks in UPSC mains. If you ask someone जिसने दिया exam में, ठीक है, वो बोलेगा कि जो मैंने, मेरा paper अच्छा नहीं होता उसमें marks ज़्यादा आए, 1, 2, and 3 के perspective में. उसका reason is that when you don't know anything, for example आपके पास quality का question है या paper 1 या 2 दे रहे हो आप, ठीक है, यू आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सभी ने पढ़ा हुआ सेम मटीरियल, द
द रीजन इज द सेम मटेरियल इज सर्कुलेटेड इन मार्केटिंग राइट, मार्केट में घूम रहा है वही मटेरियल और सब वही पढ़ रहे हैं एंड अल्टीमेटली एग्जामिनर जब देखता है तो सेम आंसर तो वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते. सो इट मीन्स यू हैव टू राइट एट लीस्ट 20 और 30 वर्ड विच आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर विच हैव यूनिकनेस. अब यूनिकनेस आएगी कैसे? फॉर दैट यूनिकनेस हम क्लास में तो करेंगे ठीक है, वी विल कवर दैट पोर्शन ऑल्सो. बट अगर आप जब कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो जस्ट गूगल दैट टॉपिक, तो एक आधा कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल और आया होता है उसमें चार पांच लाइनें होती हैं जो विच आर डिफरेंट, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम देयर. तो आपका आंसर दूसरे से डिफरेंट बन जाएगा. मार्क्स लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगी, दूसरे से मार्क्स कितने ज़्यादा आते हैं दैट विल बी हेल्प टू ठीक है. अब यहाँ पर देखो पेपर वन और टू थ्री मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज स्टैटिक इज देयर, बट देर आर सर्टन टॉपिक विच हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू यूनिकनेस. फॉर एग्जाम्पल वन इज एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, सोसाइटी, सिक्योरिटी, इतने अलग पर ठीक है. सो वेन एवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर दीज टॉपिक, उसके बाद कुछ भी प्रिपेयर करना, बिकॉज द रीजन इज दैट दीज टॉपिक हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर यू टू गेट अ गुड मार्क्स. क्योंकि यहाँ पर ही अगर एक दूसरे से लीड होगी ना जो मार्क्स की, इट विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक. अगर आप पॉलिटी की बात करो, इफ दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन 35A और 370, तो उसमें डिफरेंट क्या लिखो? मटीरियल सेम राइट, तो एक जिसने पढ़ा हुआ है वही लिखेगा, उसमें इनोवेशन कहाँ से होगी? हालांकि अगर वो लॉ का होगा थोड़ी बहुत इनोवेशन लेकर आएगा, बट वहाँ पर फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो पूरा प्रोफेशनल हो जाएगा ठीक है. सो यू ट्राई टू फोकस ऑन दीज टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें हो गया है. सिंपल क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल वेस्ट इफ आई आस्क यू द कॉजेस एंड इम्पैक्ट, ये आ चुका है यूपीएससी में क्वेश्चन एक दो साल पहले, तो इसमें क्या लिखोगे? कॉजेस में क्या है? कुछ तो बोलिए बिहेवियर चेंज ये वो सही यही आएगा. सिविक सेंस द रीजन इज दैट वी नॉर्मली लेक्ट दिस टाइप ऑफ टॉपिक के यहाँ पर तो चलो कुछ ना कुछ लिखी रह गया ना. अब हम आपने जो भी पॉइंट बोले हैं दीज आर वेरी मच सिंपल, अगर हम ट्वेल्थ में भी लिखें तो सेम वही लिखेंगे है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात नहीं हुई. सो इम्पैक्ट में क्या लिखेंगे आप? लिखो वाटर पोल्यूशन, देन यू कैन राइट सॉइल पोल्यूशन इज देयर, देन एयर पोल्यूशन है ना, ऐसी बातें तो वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे. सी द सिंपल क्वेश्चन में मार्क्स लेना यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ मार्क्स. एक सिंपल अगर किसी ने वो रिसर्च पेपर पढ़ा है ऑन द गंगा, मैं एनवायरमेंट की क्लास में जो करवाता हूँ दैट इज इट इज जस्ट लाइक दिस, दिस इज द वेस्ट जनरेशन एंड दिस इज द ट्रीटमेंट. इन थ्री और फोर डिकेड्स द गैप बिटवीन वेस्ट जनरेशन एंड ट्रीटमेंट इज इंक्रीज, इट मीन्स दैट वेस्ट जनरेशन इज एट हायर लेवल और ट्रीटमेंट उसकी कम होगी. बात वही है जो आपने बोली है बट मेथड इज डिफरेंट. तो यहाँ पर क्या होगा फिर जो ये ड्रॉ कर देगा उसको मार्क्स मिलेंगे. सिमिलरली इम्पैक्ट में इफ आई टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, यहाँ पर यू हैव टू मेंशन अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली. इफ आई टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन तो उसमें कौन सी केस स्टडी आएगी? गंगा रिवर की, उसमें सीएजी की रिपोर्ट ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट सॉइल पोल्यूशन उसमें करवाया यार हिमाचल प्रदेश की केस होगी,
with the generation of municipal waste, the land bearing capacity decreased in Himachal Pradesh. ठीक है, तो buildings जो बनाए गए हम, तो उसमें क्या होगा problem. Then if I talk about creek pollution, this is again a unique, ये कोई लिखेगा नहीं. Here the case study will be of Surat. तो ऐसे करके अगर आप easy topic जो है ना, मैं करवा दूंगा आपको, मतलब क्लास के जैसे जैसे चलेगी ना टॉपिक आएंगे तो बीच बीच में केस स्टडी भी करूंगा. सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर. सो यू हैव टू फोकस, वन इज केस स्टडी. केस स्टडी मिलेगी कहाँ पे? ये तो सर्च पेपर के ये नहीं मिलेंगे, बट यू कैन गेट अ केस स्टडी फ्रॉम द हिंदू. द हिंदू में संडे में एक एक्स्ट्रा मैगजीन आता है, उसके अंदर लिखा होता है ना क्या क्या काम, कोई अच्छा काम किया होता है, तो वहाँ से आप केस स्टडी एक एक नोट कर लेना, बाकी मैं करवा दूँ. ठीक है, सेकेंड थिंग इज फ्लो चार्ट एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सो इट मीन्स दैट व्हेन यू प्रिपेयर फुली अबाउट दिस होल सिलेबस, ठीक है, आपने पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, यू आर एबल टू राइट आंसर, एनी आंसर. ठीक है, हालांकि वो ठीक है, वो एवरेज होगा, द आंसर विल बी एवरेज, बट उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट नोट डाउन 30-30 वर्ड्स ऑन एवरी टॉपिक विच आर वैल्यूएटेड एंड यूनिक. मार्क्स उससे मिलेंगे, बाकी आप देखोगे ना, अगर आप आंसर भी लिखोगे ग्रुप वाइज, योर आंसर 60% आंसर विल बी ए सेम सभी का, 40% का फर्क होता है, उसी में सिलेक्शन होता है. सो रेदर देन फोकसिंग ऑन होल आंसर, जस्ट फोकस ऑन द 40 वर्ड्स विच आर यूनिक एंड विच हैव अ वैल्यू. अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हो, यू शुड नो दैट द जी डी पी इसकी कितनी है. ठीक है, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, यू शुड नो प्राइमरी कंट्री. सिमिलरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग हेल्थ, हेल्थ को कैसे प्रिपेयर करोगे, हेल्थ को प्रिपेयर करना है फ्रॉम प्राइमरी लेवल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. उसके अलग अलग छोटे छोटे नोट्स बना लो, दैट प्राइमरी में प्रॉब्लम क्या है, सेकेंडरी में. इफ यूपीएससी आस्क अ क्वेश्चन ऑन हेल्थ, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, बट इफ यू सेग्रीगेट इट दैट इशू ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, देन द सेकेंडरीज एंड देन द टर्शरी, तो वो डिफरेंट हो जाएगा. सिमिलरली इन एजुकेशन, इफ यू टॉक अबाउट अ प्राइमरी हेल्थ अलग से, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, देन यूनिवर्सिटीज के बाद में इंडस्ट्री लिंक, तो वहाँ पर आप जाओगे, यू विल गेट एज ऑलरेडी, आपकी प्रेपरेशन में ही आपको एज मिल गई, द वे यू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो ये मेंस का क्लियर है कैसे करना है. ठीक है, सो टूडेज टॉपिक इज डेड जोन. डेड जोन न्यूज में था अभी, है कोई आइडिया डेड जोन? यूपीएससी ने इस पर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे से, डेड जोन. यू हैव आइडिया? डेड जोन, डेड डेड डी ए बी, यस. ऐसे मत करो यार, किसी को देखो डेड जोन बनती कब है? एनवायरनमेंट सभी सभी का हो गया, एनवायरनमेंट अभी हुआ नहीं, चल रहा है. ओके, क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन तो हो चुका है. ठीक है, ओके, मैं समय से पहले क्लाइमेट चेंज की कॉजेज वगैरह करवाई होगी ना सर. सी द डेड जोन इज द एरिया वेयर द ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो इन ओशियन. नो हाउ दैट लेवल रीच, क्वेश्चन हमारा ये है. फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन, डेड जोन कौन सी जोन है? दे आर मोस्टली हाइपोक्सिक जोन, वेयर द ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लेस. ठीक है, पहले समझ लो बाद में लिख लेना. सी द क्वेश्चन इज हाउ दिस हैपेंड, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द कंसर्न. आईपीसीसी की रिपोर्ट में क्या उसने बताया? ऐसे जनरली बता दो, 2 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं है,
वो तो है पूरा जोर लगाकर, बट 1.2 डिग्री तो ऑलरेडी रख हो चुका, अब तो हो गया कि 3 डिग्री हो जाएगा. इवन इफ यू फुलफिल आईएनडीसी इवन देन यू थिंक इट इज नॉट पॉसिबल. देखो क्लाइमेट चेंज में इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, लिमिट 2 डिग्री बाय 2100 और एट एटमोस्ट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाई आईपी दिस इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सिलेक्टेड दिस 2 डिग्री सेल्सियस. उसने 2 डिग्री सेल्सियस इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज इन लास्ट इंटरग्लेशियल पीरियड, कोई रीजन तो होगा ना व्हाई इट सिलेक्टेड 2 डिग्री, उसमें ऐसे क्यों नहीं है ना. इन लास्ट इंटरग्लेशियल पीरियड द टेम्परेचर वॉज हायर देन 2 डिग्री एज कम्पेयर टू प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में सिचुएशन है ना इससे 2 डिग्री सेल्सियस हायर था. तो उसका आउटकम क्या आया था, राइज इन 4.1 मीटर मीन सी लेवल. ठीक है, तो उस टाइम पर 4.1 डिग्री 4.1 मीटर सी का लेवल हाई हो चुका था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट द आईपीसीसी सेज दैट वी हैव टू लिमिट दिस, अदरवाइज जो ओशियन की लेवल राइज का सिमिलर कंसर्न होता है. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन, वन इज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन सुना, वेदर अ यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल और मैन मेड, ऐसे प्रीमियम क्वेश्चन आ जाते हैं. It is a normally natural. Aging of a lake is a natural. Accelerated over man. Yes. When it is accelerated by human being, anthropogenic impact, that is more concerned. ठीक है? See, this is a water body. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सेम डायग्राम बना देना. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मैक्सिको, वहाँ पर क्या हो रहा है, द मिसिसिपी रिवर. ठीक है, ऐसे आता है वहाँ पे. ठीक है, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एट देयर, ड्यू टू दैट एग्रीकल्चर द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे फ्लो इन वाटर एंड रीच टू ओशियन. ठीक है, अब ये ओशियन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस इज देयर, वो एंटर कर चुकी है. ठीक है, इफ द लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज नॉर्मल तो ग्रोथ कितनी होगी, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, बिकॉज दीज आर फर्टिलाइजर, राइट, द प्लांट्स नीड देम टू ग्रो. सी, सो व्हेन देयर लेवल इज एक्सेस, अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो, जो अभी मैक्सिको में डेड जोन फॉर्म हो गई है उसी का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, दैट एग्रीकल्चर इज वेरी हाई इन दिस रीजन and the water, the various fertilizer flow with water entering to the sea. अब excess में enter होंगे तो क्या होगा, the growth of plants will increase, ठीक है, यहाँ पर the growth of plants first number is increase in N plus P. ठीक है, द सेकेंड इज इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ. ठीक है, दिख रहा है, सेकेंड पॉइंट इज, इसको बड़ा करो या छोटे कर दो, बड़ा जूम नहीं होगा. ठीक है, क्लियर. नाउ विद द एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एल्गल ब्लूम विल हैपन. नंबर थ्री इज ग्रोथ ऑफ एल्गी एट ओशियन लेवल, अपर लेवल. ठीक है, दिस इज नंबर थ्री इज एल्गल ब्लूम. ठीक है, नाउ विद द एल्गल ब्लूम अब होगा क्या, one is it will block sunlight, sunlight को block कर देगा,
है ना, बिकॉज इट कवर द ऑल सर्विस एंड इट विल ब्लॉक अ सनलाइट. द सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट लॉस. ठीक है, जो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट है, बिकॉज द सर्फेस इज कवर्ड विद द नो एल्गुलेटूम. नाउ द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन विद द लोअर वाटर और वी कैन से सर्कुलेशन, ड्यूरिंग द सर्कुलेशन के थ्रू भी तो ऑक्सीजन एंटर करती है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन, प्लांट्स आर हियर है ना, कैसे काम करेंगे अब, ठीक है. नाउ प्लांट इज इट विजिबल या ऊपर उठाने से, ठीक है. सी द ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कॉन्टैक्ट लॉस हो गया, अब क्या होगा, द प्लांट्स विल डाई यहाँ पर, बिकॉज दे विल नॉट गेट अ सनलाइट. मतलब सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई वो नहीं है. सो नंबर फोर इज डेथ ऑफ प्लांट. अब विद द डेथ ऑफ प्लांट्स ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो दे जनरेट ऑक्सीजन है ना. सेकेंडली अब डेथ ऑफ प्लांट्स के बाद क्या होगा, डेड प्लांट को कौन एक्ट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ब्रेक डाउन करेंगे. टू ब्रेक डाउन दीज प्लांट पार्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर नीड ऑक्सीजन. ठीक है, एक तो प्लांट पार्ट्स हैं जो डेड हो गए हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी होगी वाटर में, ऊपर से ही कंटेक्ट हमारा बंद हो गया. थर्ड वन इज दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ब्रेक प्लांट पार्ट्स और दे फर्दर नीड ऑक्सीजन. अल्टीमेटली फॉर्मेशन नंबर सिक्स लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन. अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा. समझ आ गया दैट हाउ डेड जोन फॉर्म इन वॉटर. इट मीन्स अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं देन क्या होगा, सर एलगी वाले पूछ रहे हैं सर, इनकी प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज कर गई सर, तो एलगी वाले कैसे आते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम सर, जब प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज कर गई स्टेप टू पे, यस, तो सर एलगी वाला सर वो स्टेप पे सर थर्ड वाले की कैसे आएगा ब्लॉक सर, यस, वो कैसे एलगी इंक्रीज कैसे करेगी, कैसे एलगी इंक्रीज कैसे करेगी जो ऑक्सीजन ब्लॉक करेगी यहाँ पर, विद द फर्टिलाइजर. एलगी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एलगी इज अ स्टेज थ्री थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, पहले सेकंड जनरेशन में था, हमने थर्ड जनरेशन में क्यों किया, बिकॉज इट नीड अ फर्टिलाइजर. सो यहाँ पर फर्टिलाइजर है, दैट्स वाई इट विल ग्रो. सी इट इज अ फ्लोटर, एलगी इज अ फ्लोटर, तो वहाँ पर बॉटम पे तो होगी नहीं है ना, तो ऊपर आएगी
एंड अल्टीमेटली जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी अल्टीमेटली सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी एंड ऑक्सीजन कंडक्टर इज ऑल्सो ब्लॉक. ठीक है, अगर डेड जोन है सो इट मीन्स दैट फिशेज विल नॉट गेट अ मच ऑक्सीजन, तो वो अल्टीमेटली. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर द डेड जोन इज प्रेजेंट विच लीड टू क्रैश ऑफ फिशरी इंडस्ट्रीज, वहां पर फिशरी इंडस्ट्री खत्म होगी. ठीक है, क्योंकि डेड जोन है अल्टीमेटली फिशेज विल डाई. क्लियर? आप एक इसमें छोटी सी केस स्टडी ऐड कर लो. डेड जोन इन ब्लैक सी, एक तो आपने एग्जांपल नोट कर ली ना, डेड जोन इन दिस गल्फ ऑफ मेक्सिको, डेड जोन इन ब्लैक सी डिसअपीयर्ड इन 1990s. Disappeared in 1990s, 1990, following the fall of Soviet Union. Soviet Union, after which fall of Soviet Union, after which huge spike in spike in cost of chemical fertilizer throughout the region. ठीक है, throughout the region. ठीक लिया? अब देखो ब्लैक सी में डिसअपियर होगी 1990s. द रीजन वॉज द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर. तो अगर फर्टिलाइजर इंक्रीज होगा इट मीन फार्मर विल यूज लेस, and when the farmer use less fertilizer it will get into the black sea and very less as compared to previous time, right? So yahan par ana ke wo unintentional tha, it was not a intentional, but here we can link that yes there is a strong link between fertilizer and dead zone. Clear? Ek question likh lo for the mains. It is no secret that प्रैक्टिस कर देना. इट इज नो सीक्रेट दैट वर्ल्ड्स ओशियन आर स्ट्रगलिंग. इट इज नो सीक्रेट दैट वर्ल्ड्स ओशियन आर स्ट्रगलिंग विथ प्लास्टिक पोल्यूशन, विथ प्लास्टिक पोल्यूशन एंड राइजिंग टेम्परेचर. कॉमन. But hidden below the surface is very serious problem. Is very serious problem. ठीक है, that is dead zone. Discuss in 200 words. ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल यूपीएस में, दे आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन के व्हाट इज डेड जोन उसका. ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज टॉक अबाउट क्या क्या पूछ रहा है, कैसे लिखेंगे इसको. You have to mention the link between plastic pollution and rising temperature. Rising temperature से impact क्या होगा ocean पे? नहीं dead zone के अगर मैं compare करूँ. See with the rising temperature, dissolved oxygen
Yes. Oxygen will dissolved oxygen will remove from ocean, है ना? तो वहाँ से oxygen further level कम होगा. Secondly, ocean stratification will be there. ऊपर वाला part बहुत hot हो जाएगा, नीचे वाला difference is greater. ठीक है? तो ये हम उसको link करेंगे rising temperature and plastic pollution. Then you have to mention the dead zone के बारे में जो भी आपने विचार है आपके. ठीक है? Clear है? Now gene editing controversy. Next topic. Plastic. कैसे? Microbial. Yes. नहीं microbial. Even you can say that plastic pollution को कौन degrade करता है? Microorganism. They further need a toxin. Second thing is the various polythene and plastic which accumulate as a layer, they further degrade. Transparency कम हो जाएगी ocean की. With the decreasing transparency क्या होगा? Sunlight will not able to go down. तो ultimately same situation आ जाएगी. Gene editing controversy के बारे में पढ़ा है किसी ने? हाँ जी. चाइनीज साइंटिस्ट वाले योर सर्चर वाले CCR फाइनल जी. कर दो हो गया ये.